दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप लोग कैसे हो? आई हो, आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है, सब सो रहे हैं, मैं उठी हुई हूँ, तो गर्म पानी करी हूँ अपने लिए, हर्षित के लिए। दोनों गिलास में पानी निकाली हूँ। ये नहीं पियेंगे, इनको नहीं दूंगी गर्म पानी, इसलिए वैक्सीन लगवाए कल, आज इनको बुखार आ गई है, इसलिए इन्हें गर्म पानी नहीं दूंगी, अपने लिए हर्षित के लिए निकाली हूँ। तो इसमें थोड़ी सी हनी और इस एप्पल साइडर, क्या बोलते हैं इसको, इसे डालूंगी, तो ये हम दोनों पियेंगे। और ये अभी सो रहे हैं, इन्हें उठाई नहीं कि आराम कर लेंगे 2 दिन। वैसे भी अभी थोड़ी देर में फोन आने लगेगा ऑफिस का, तो उठ ही जाएंगे। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं गर्म पानी। मैं सब्जी काटने बैठी थी, बीन्स काट रही हूँ। काटने में तो बहुत टाइम लगता है बीन्स, पर सब्जी इसकी बहुत अच्छी लगती है। हमारे बच्चे भी खाते हैं अच्छे से, छोटू भी खाता है, हर्षित भी खाते हैं, इन्हें भी अच्छी लगती है। तो वही बीन्स काट रही हूँ बनाने के लिए, और यहाँ कुछ बातें भी कर रही थी, तो आवाज़ थोड़ा पीछे से आ रही थी, टीवी चला रखे थे ये लोग, तो इसलिए आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। अरे छोटू है पीछे लगा हुआ, कुछ कर रहा है लगता है, यहाँ तो लगा हुआ है, ये भी कुछ बोल रहा था, तो इससे भी बातें कर रही थी। और यहाँ शाम की चाय हो रही है, ये देखो इनकी मस्ती चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, साइड में सॉन्ग लगा रखा है, और चाय भी, ब्रेड खा रहा है, चाय रखी है साइड में, और मस्ती कर रहा है, बैठे बैठे डांस हो रही है इसकी। और साइड में ये भी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, देखो इसकी मस्ती। हर्षित तो वहाँ डांस कर रहा है, लग रहा है उसे ही हंस रहा है। और ये देखो मेरे तो बाल पिन रखी रहती है, ले लेके खेलता रहता है, कभी क्लचर से, कभी बाल पिन से, कभी कंघी ले लेगा, कंघी से खेलेगा, इसकी मस्ती चलती ही रहती है। सच में अगर बच्चे न रहे तो हमारा भी टाइम न पास हो, बच्चे ही बच्चे हैं तो कब सुबह हो जाती कब शाम पता ही नहीं चलता। और यहाँ ये बैठ के हंस रहे हैं उसी को, हर्षित ऐसे वो करता ही है कि हंसने लगता है। यहाँ ये अपने मोबाइल में लगे, और ये बर्तन, दोपहर में खाना हुआ था तो मेरे से बर्तन नहीं, इतनी गर्मी थी कि बर्तन नहीं धो पाई, फिर गई मैं लेट गई तो सो गई, तो फिर चाय उठी तो मैं सोची चाय ही बना लूँ, उसके बाद ही बर्तन धोऊँ, तो यहाँ बर्तन धो रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ शाम को। हाँ, बर्तन धुलने के बाद फ्रिज खोली हूँ, तो फ्रिज में आज आम ली हूँ, तो ये तो बिल्कुल इतना मीठा आम, वो अंकल बोल रहे थे जो लेके आए थे बेचने, तो कोई विश्वास ही नहीं मान रहा था, सब उन पे हंस रहे थे कि बेचने वाले तो ऐसे ही बोलते हैं मीठा है मीठा है। सच में इतना मीठा ये आम है कि, और लग भी रहा है कि जैसे कि पेड़ से ही तोड़ के लाए, बहुत मीठा आम था। तो यहाँ मैं निकाली हूँ, और बर्तन धुली थी तो ये पानी पानी हो गया था, तो इसे भी साफ कर रही हूँ, और साफ कर लूँगी फिर शाम के खाने में क्या बनेगा देखूँगी। आम तो निकाल के रखी हूँ, ये तो बोल रहे हैं कि पूड़ी और नमक वाली पूड़ी और आम रस बना दो, तो देखती हूँ बनाती हूँ आम रस। और आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और
जो भी पूछना है कमेंट में कमेंट करके पूछना। तो यहाँ मैं आम निकाल रही हूँ, जा रही हूँ आम रस बनाऊँगी। आम रस पूड़ी बनेगी खाने में। और यहाँ देखो कितनी गर्मी है, ऐसे लग रहा है मैं मुँह धो के आई हूँ, पर मुँह नहीं धोई हूँ, ये पसीना हो रखा है इतना ज़्यादा। और यहाँ मैं आम रस बना दी हूँ, देखो मेरा आम रस बन गया हुआ है। और साइड में आटा भी लगाई थी तो पूड़ी भी बना ली हूँ। पसीना पसीना हो रखा था, फिर सोची कि इसी टाइम बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बैठ जाऊँ इसी के आगे तो फिर उठने का मन नहीं करता। तो बर्तन उर्तन धोई और फ्रिज से आम निकाल के बना दी हूँ। बर्तन धो ली थी उसके बाद ही आम रस बना के फ्रिज में रख दी थी ठंडा होने के लिए, और आटा लगा के रख दी। किचन उचन साफ करके फिर पूड़ी तल ली, आम रस बना ली। तो देखो इतना अच्छा टेस्टी बना था, और एक एक बर्फ़ डाल दी थी और ठंडा हो गया था। बच्चे तो बहुत अच्छे से खाए।